स्वागत के लिए हमारे बीच हमारी भारती जी हैं, जो कि तिलक के साथ उनका स्वागत करें। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेवी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। मैं अपने अतिथि महोदय से सादर विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे माँ सरस्वती को माल्यार्पण करके माँ सरस्वती की वंदना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र आवृत या वीणा वरदंड वंदित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मांबातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। सभी पर कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं मां सरस्वती के सम्मान में। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यवदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शुभं करोतु कल्याणं आलोक्य शुभसंपदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय पुनः फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन द्वारा आयोजित खुला मंच। मैं अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मंचासीन होकर हमें अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही साथ मैं गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन के फाउंडर आकाश बरुआ जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन की एजेंडा और उद्देश्य के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। साथ ही साथ होटल के जो फाउंडर हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पर आए और विशाल जी से अनुरोध करता हूँ भी मंच पर आए और आकाश वर्मा जी के साथ हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। तो दोनों गणमान्यों का हार्दिक स्वागत है। आकाश वर्मा जी के उपहार का रूप हमारे अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना ध्वनि जारी रखें। पुनः आकाश सर से निवेदन है कि वे गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आकाश जी भी अच्छे लगे ऐसे ना करा दी कमल में बता रहे हैं सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना इसमें कार्य जो था आदरणीय अतिथि हमारे
श्री आशीष बैसरी जो सीआईएल के चेयरमैन हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम युवाओं के लिए अपना कितनी समय निकाला, कि हमारे लिए बहुत गौरवान्वित और होने वाली बात है। तो मैं ऐसा आपका ध्यान चाहूँगा, जो गुरुकुल हिंदी फाउंडेशन का हमारा जो विजन था कि आज के समय में जो जॉब्स का नीचे जाना, ये कहीं ना कहीं हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो गुरुकुल हिंदी फाउंडेशन एक विचार लेके आगे बढ़ रहा है कि हम लोग ऐसे युवा जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल्स में हैं, उनको हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकें अपनी जो एडवाइजरी टीम है और जो हमारा सोर्स रिसोर्स है उसके माध्यम से। हमने अपनी जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया, अलग अलग कंपनीज के वो सीईओ हैं, बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और ये फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं या सेकेंड ईयर में या स्कूल्स के हैं, हम लोगों ने इसमें पूरा एजेंडा सेट किया है कि जो खुला मंच है हम लोग वीकली रखेंगे। इसमें हम लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, लाइक चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हो गए, कलेक्टर हो गए, या किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई अच्छा एक्सपर्ट हो गया, अलग अलग उद्योग संघ के अध्यक्ष हो गए, इन लोगों को आमंत्रित करेंगे। खासकर ग्वालियर में समस्या ये आ रही थी युवाओं के साथ, जो आम युवा है वो अपनी समस्या कहीं तक नहीं पहुँचा पा रहा, बड़े बड़े घरानों के लोग तो पहुँचा देते हैं, जैसे मुझे किसी केंद्रीय मंत्री से काम है या अलग तरीके से काम है तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमारा प्रयास है ग्वालियर के जितने भी युवा हैं उनको एक मंच पर लाकर खुला मंच के माध्यम से वो अपने दिल के सवाल कि मुझे करियर संबंधित ये समस्या आ रही है, मुझे जीवन, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं जीवनों को अचीव किया है, जो साधारण युवा एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा चाहता है कि मैं एक समय पर उस मुकाम पर पहुंचूं। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर में इसका गुरुकुल ट्री फाउंडेशन का परिचय बढ़ रहा है। गुरुकुल नाम हम लोग बहुत से लोग हमसे पूछते हैं गुरुकुल नाम हमने क्यों रखा, वैसे हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी तो वो गुरुकुल बेस्ड थी, उसमें क्या करते थे कि उसमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट था कि करके ही सीखना, वैसे गुरुकुल ने लाया जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिक्स्थ क्लास से इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी गई। अब इंटर्नशिप कंपलसरी करके जो कॉलेज में बच्चा आता है तो वो इंटर्नशिप कॉलेज वालों ने बोल दिया कि आपको इंटर्नशिप करनी है, अब उसको वो क्योंकि कॉलेज से बाहर निकला, क्योंकि घर से बाहर निकला, उसे नहीं पता कहाँ करनी है, अब कॉलेज वालों ने फोर्स कर रहे हैं। अब वो क्या करता है बाहर जाके कि भाई साहब हमारा सर्टिफिकेट बनवा देंगे, मैं आपको 3,000 रुपये 5,000 रुपये दूंगा, तो अब बाहर जाके वो सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, अब ना वो सर्टिफिकेट की वैल्यू है और ना उसने कुछ सीखा। अब बाद में जब एक एज आ जाती है तब फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को गाली देते हैं, अपनी सरकार को गाली देते हैं, अपने माता पिता को गाली देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या आ गई कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाना चाहते। अब जो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाना चाहते उनके लिए प्रयास है कि गुरुकुल ट्री फाउंडेशन एक विजन लेके चला है कि आगे वाले 2 सालों 10,000 से ज्यादा युवाओं की हम लोग सेना खड़ी करें, जो एक लीडर्स क्रिएट हम लोग कर रहे हैं कि गुरुकुल जो ग्वालियर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके कि अगर कोई समस्या आ रही है उस पर काम न करें, समाधान उसका क्या बेटर से बेटर हो सकता है। तो उसी के विषय में हम लोग ये चर्चा का मंच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारे गुरुकुल ट्री फाउंडेशन है तो आगे बढ़ने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन ऐसे ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा और मतलब बहुत अच्छा प्रयास गुरुकुल ट्री फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इसका पर इंस्टाग्राम पर गुरुकुल ट्री फाउंडेशन के लाइव को ज्वाइन करते हैं सभी लोग। चलिए तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आकाश जी से अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं सर के साथ कुछ संवाद करूंगा, सर से कुछ क्वेश्चन करूंगा। सर सबसे पहले तो मेरी ओर से आपका हार्दिक स्वागत है गुरुकुल ट्री फाउंडेशन की ओर से। तो मैं आपके साथ कुछ संवाद करना चाहता हूँ तो जिसमें आप युवाओं को प्रेरित करें अपने उद्बोधन के द्वारा और प्रश्नों के उत्तर के द्वारा। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हम सबको बता दीजिए जिससे हम सबको प्रेरणा दे सके कि आपके बचपन से शुरुआत से लेकर आज तक की जो भी जर्नी है उस मुकाम तक पहुंचना, आप किन संघर्षों से होकर गुजरे, क्या क्या रास्ते में सारी रुकावटें या लाभ या जो भी आपके लाभ हानि जो भी आपको प्राप्त हुए, निश्चित है कि आप किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो हमें दोनों चीजें स्वीकार करना है, लाभ हो या हानि, तो वो आप पूरी मंजिल का रास्ता शेयर करेंगे। मेरा नाम शिवम,
सुरेश जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट मेरी जर्नी नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी जर्नी है। अगर आप मुझे बुलाएंगे मेरी जर्नी के बारे में पूछेंगे तो उससे बेहतर मैं ही चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का केवल एक है कि अगर मैं यूथ को कुछ बेटर दे सकूँ तो मैं देना चाहूँगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे ग्वालियर के जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और सबसे कम अपॉर्चुनिटी हमारे ग्वालियर के यूथ के लिए। तो वो चीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। मैंने जो किया या क्या किया उसका 5 साल जरूरी खराब करने से बेहतर ये है कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग कहाँ लैग कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। और जल्दी अगर मुझे बतानी है तो मैं एक ग्वालियर के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक जल्दी बताना चाहूँगा। मैं टाटा की एक कंपनी है, यानी किसी साल की जर्नी बता रहा हूँ आपको, एक आप ही के जैसे यूथ की। टाटा की एक कंपनी है, उस टाटा की कंपनी में जमशेदपुर का मैनेजमेंट कर रही है तो जिसको नाम है उसका, तो उसने डिसाइड किया कि जो वेस्ट निकलता है जमशेदपुर में हमको उसके लिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए और कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे कि वेस्ट मैनेजमेंट भी हो, ह्यूमन इंटरफेस में उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, ह्यूमन इंटरफेस भी कम से कम हो। उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक रोबोटिक गार्बेज सेग्रीगेशन प्लांट लगाएंगे जो वर्ल्ड में अभी तक कहीं भी नहीं लगा है, वो आइडिया भी कंसीव नहीं हुआ है। तो उस प्लांट के लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला, वो ग्लोबल टेंडर सिंगापुर की कंपनी ने लिया और उसने वो रोबोटिक आर्टिफिशियल मॉड्यूल डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने का प्रोजेक्ट किया। उस कंपनी ने काम किया पर अनफॉर्चुनेटली 6 महीने करने के बाद भी वो उस प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर पाया। फिर उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला कि ऐसे कौन सी कंपनी हो सकती है वर्ल्ड ओवर जो उसको डेवलप करे। तो उन्होंने वर्ल्ड के 15-20 कंट्रीज पे कंपनीज आइडेंटिफाई की कि वो कंपनीज इसको डेवलप करे पर वो भी फेल हो गई 6 महीने और भी। अब उनके पास कुल 18 महीने का टाइम था, 12 महीने निकल चुके थे। फिर उनको पता लगा कि चेन्नई में कंपनी है और छोटी सी कंपनी है, वो कंपनी इस आइटम को डेवलप कर सकती है, उन पर डिजाइनिंग भी हो सकती है, उस आइडिया भी कंसीव कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप चैनल देखिए कि जमशेदपुर का प्रोजेक्ट ग्लोबल टेंडर के थ्रू सिंगापुर गया, सिंगापुर से वो ग्लोबल टेंडर के थ्रू वर्ल्ड की कंपनीज पे गया, एंड में वो लौट के चेन्नई की कंपनी पे आ जाता है वापस इंडिया में कि ये प्रोडक्ट आप डेवलप कीजिए, आइडिया कंसीव कीजिए। मैम व्हाट्सएप बातें की सर, मेरे को रिस्पेक्ट होगा, आप इंटरेस्टेड हो तो बैठे, प्लीज नहीं तो ना बैठे, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ आपकी। तो वो चेन्नई पहुँचा, चेन्नई की उस कंपनी ने उस सिंगापुर की जो बिल्कुल छोटी कंपनी थी उसके सामने आइडिया प्रपोज रखा कि हम ये कर सकते हैं बट हमारी 3 कंडीशंस है। पहली बात, 100% फाइनेंसिंग आप करेंगे, हम छोटी कंपनी है और हमारे पेरेंट्स हमें 1 रुपया भी फंड करने को तैयार नहीं है, उनके पास फंड्स है पर वो नहीं देना चाहते, तो पूरा फंड आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आइडिया हम बनाएंगे उस पर पेटेंट और कॉपीराइट हमारी कंपनी का होगा, हम आपको आइडिया सेल करेंगे, पेटेंट या कॉपीराइट सेल नहीं करेंगे वो। और तीसरी बात, अगर आइडिया हमारा होगा तो प्रोटोटाइप भी अभी डेवलप करेंगे और फ्यूचर में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो केवल हमारी ही कंपनी करेगी। सिंगापुर की उस कंपनी ने उस छोटी सी कंपनी की सारी कंडीशन मान ली। अभी यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आप छोटे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको अगर अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस है तो आप मल्टीनेशनल कंपनी को भी डिक्टेट कर सकते हैं। और उस सिंगापुर की कंपनी ने वो सारी कंडीशंस एक्सेप्ट की और वो चेन्नई की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बकायदा राइटिंग में। उस कंपनी ने 4 महीने के अंदर
जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर कहीं डेवलप नहीं हुई थी वो डेवलप की, उसको प्रोटोटाइप बनाया और वो प्रोजेक्ट आज जमशेदपुर में सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें रोबोट्स आइडेंटिफाई करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि कौन सा कचरा किस ग्रेड का है। रोबोट की ऑक्टोपस की तरह की आर्म्स बनी हुई है, वो आर्म्स उस कचरे को उठाती है, उस डस्टबिन में डालती है जो सेग्रीगेटेड है, और वो डस्टबिन अपने अपने कन्वेयर पे चला जाता है। तो ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ चेन्नई की कंपनी में। अब उस प्रोजेक्ट को चेन्नई की कंपनी ने डेवलप करने के बाद क्योंकि राइट्स अपने पास रखे थे तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी, और वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया में उसको अभी एशिया के 10 मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज में से सिलेक्ट कर लिया और वो अभी एक फाइनलिस्ट है 10 में से अभी और वर्किंग होना है, तो उसको कई हजार डॉलर का तो ग्रांट भी मिला। देन उस कंपनी ने उस आइडिया को प्रोपोगेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, IIT में जो एग्जीक्यूटिव था, तो वहाँ पे उस आइडिया को मोस्ट इनोवेटिव आइडिया ऑफ इंडिया 2021 माना गया और उसको 7 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज उस चेन्नई की कंपनी को मिला। ये एक सब ये है। अब इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि वो जो चेन्नई की कंपनी है वो एक्चुअली ग्वालियर की कंपनी, उसकी जो प्रमोटर है वो एक 20 साल की ग्वालियर की लड़की है जो चेन्नई में पढ़ाई कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड भी ग्वालियर में है, ऑपरेट भी ग्वालियर से हो रही है, बट क्रेडिट जो जा रहा है वो सारा जा रहा है उस चेन्नई की कंपनी को या सिंगापुर की कंपनी को कि उन्हें इंटरनेशनल मॉड्यूल डेवलप किया है और किया ग्वालियर की बच्ची ने। तो हम अपनी चीज को सामने नहीं ला पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जो एक सबसे बड़ी कमी ग्वालियर में हमारे इकोलॉजी में हमें नजर आए। तो ये मैं मेरी जर्नी के बजाय कोई ऐसी जर्नी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आप आज के टाइम से रिलेट कर। मैंने 40-30 साल अच्छे से पहले क्या स्ट्रगल किया वो इट इज़ द पास्ट, और मैं मेरा गुणगान सुनने या करने के लिए यहाँ दिया है। मेरा सिंपल उद्देश्य ये है कि अगर मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके और किसी को कुछ फायदा पहुँचा सकूँ तो मैं समझूंगा कि मेरा समय वर्थ रहा। सो आई थिंक दिस इज द जर्नी ऑफ अ कंपनी फ्रॉम ग्वालियर, हाउ इट हैज ग्रोन। ये पूरा टेन्योर एक साल के अंदर है जब कोविड भी था तो वर्चुअली ही वो कंपनी ग्वालियर से ऑपरेट हुई है और वर्चुअली ही पूरा मॉडल डेवलप करके और फिजिकली इम्प्लीमेंट किया गया है। छोटी छोटी ग्वालियर की वर्कशॉप से भी प्रोडक्ट खरीदे गए हैं, इंटरनेशनली भी खरीदे गए हैं। तो दिस वे ग्वालियर का नाम नहीं है बट कंपनी ग्वालियर की इनकॉर्पोरेट हुई है, काम कर रही है। तो ये एक सबके लिए वो है कि ग्वालियर में कितना पोटेंशियल है प्रोवाइडेड हम उसको रियलाइज करें। सर मुझे ये आपकी पूरी स्टोरी में दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई, इसमें दो प्रॉब्लम्स लगी कि पहली बात जो जमशेदपुर की कंपनी थी उन्होंने पहली स्टेज पर ग्लोबल टेंडर क्यों निकाला, उन्होंने अपने लोकल लेवल पर या फिर इंडिया में उनके टैलेंट की कमी लगी जो उन्होंने अपने इंडिया लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर टेंडर नहीं निकाला। लेकिन मैं सीधी सी बात बताऊँ, इंडिया जो है वो यूनिवर्सली सॉफ्टवेयर हम माना जाता है, हार्डवेयर हम इंडिया को नहीं मानते। इंडिया में जितना भी IT का काम होता है वो सारा सॉफ्टवेयर साइड में होता है, तो किसी को भी IT की कोई ज़रूरत है तो वो बाहर ताइवान या चाइना या सिंगापुर की तरफ जाता है, वो इंडिया की तरफ नहीं आता है। दूसरा, टाटा को ग्लोबल प्रोडक्ट चाहिए था, टाटा को ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए था जिसमें कि वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते, तो उसको इंडिया किसी कंपनी में विश्वास नहीं था। बट आई थिंक इस इंसिडेंस के बाद उनको भी समझ आ गया कि अल्टीमेटली जो काम उन्होंने किसी और को $1,00,000 में दिया और वो काम इंडिया की कंपनी ने $50,000 में किया तो $50,000 उनके वेस्ट गए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया। तो यही इकोलॉजी हमें डेवलप करने की जरूरत है। एंड सर एक चीज़ और, यदि जो कंपनी थी उनकी टेक्नोलॉजी थी तो
क्या उनमें रिसोर्सेज और फंड्स नहीं थे कि या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा था तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर खुद ही चालू क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसका भी जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। जनरली उस कंपनी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, उनको उन्हें कभी कार्यवेश में जिंदगी में डील नहीं किया। वो सारे स्टूडेंट्स थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो उसमें से उस लड़की ने वो कंपनी बना ली और कंपनी बना के और उसने अपने ही चार पांच इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स को जोड़ा कि हम कुछ नया करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो उनने इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। उन्हें इसके पहले कभी ने सोचा था ना डेवलप किया, बट जब वो आइडिया उनके पास आया सिंगापुर की कंपनी के थ्रू, तो उनने अपना प्रेजेंटेशन बनाया उस आइडिया को। वो प्रेजेंटेशन उन्होंने सिंगापुर की कंपनी को दिया, उसने प्रेजेंटेशन देखा, फिर उनके QA सेशन हुए जो करीब करीब 15 दिन तक चले। उसमें IIT के प्रोफेसर भी थे जिन्होंने उस कंपनी की प्रॉपर ग्रिलिंग की कि आप किस तरह क्या कर पाओ, और उसके बाद जब सब ग्रिलिंग हो गई तब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर उन्हें काम शुरू करना शुरू किया। इस फील्ड में वो नहीं थे, दे वर सिंपली स्टूडेंट्स नहीं थे। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि ये जो था ग्वालियर की इंडस्ट्री, ग्वालियर की कंपनी जो उन्होंने शुरू किया, तो क्या ग्वालियर का युवा ग्वालियर में रहकर क्या इस चीज़ को नहीं बढ़ा सकता? जैसे आपने बताया कि ग्वालियर का भले ही नाम नहीं था लेकिन उसके पीछे ग्वालियर था, तो क्या ग्वालियर नहीं कर सकता अपने नाम से, या ग्वालियर में रहकर ग्वालियर का युवा इस चीज़ को नहीं बढ़ा सकता? क्यों नहीं कर सकते? तो चेन्नई का नाम इसलिए क्योंकि वो लड़की चेन्नई से इंजीनियरिंग कर रही थी। जब वो चेन्नई में थी तो उसके बाकी की जो टीम उसने बनाई थी वो भी टीम चेन्नई थी, तो उनको कॉलेज के इंक्यूबेशन के थ्रू वो प्रोजेक्ट आया था। तो सिंगापुर की कंपनी ने इंडिया के 15 या 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये प्रोजेक्ट देता, जिसमें IITs थे और ये SRM इंस्टीट्यूट था, VIT था, मणिपाल था, इनको भेजा था। तो वो क्योंकि वो बच्ची SRM में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तो SRM के इंक्यूबेशन सेंटर ने उनको प्रोजेक्ट किया था, इसलिए SRM को चेन्नई का प्रोजेक्ट किया जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन बाय SRM चेन्नई। अगर हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी से वो प्रोजेक्ट दे दी तो वो जीवाजी का 1 ईयर का प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो जहाँ से आया वो वहाँ का प्रोजेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार लाने की या कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, कि ग्वालियर में भी ऐसे कुछ इनोवेशन होने चाहिए? जैसे आपने बताया कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जैसा प्रयास कर दी, तो शायद ग्वालियर का नाम नहीं होगा। नहीं भाई, किसी का नाम नहीं होगा, जीवाजी का प्रयास, क्योंकि जीवाजी के स्टूडेंट ही नहीं, लेकिन ग्वालियर से भी ऐसे प्रयास होने चाहिए। आपने मेरे को बोला एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत है कि नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा डेडलास्ट भी हो रहा है। नहीं है सर, हमें इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको इसको टोटली उठा के फेंक देना चाहिए, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी आती है ना, ये मैं यानी कितनी बार देख चुका हूँ कि अब मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो भाई अगर अभी मोस्ट इनोवेटिव है तो पिछली वाली क्या है? जब वो आई थी तब भी वो मोस्ट इनोवेटिव होती आई थी, उसके पहले जो आई थी वो भी मोस्ट इनोवेटिव आई थी। तो आप इतनी बड़ी गलतियाँ क्यों करते हो कि आपको उस एजुकेशन पॉलिसी को हर 2 साल बाद बदलना पड़ता है? एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के हेड से हमारी बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल डिस्कशन था। तो एज ए इंडस्ट्रीज मेरा मानना है कि ग्वालियर से जो स्टूडेंट्स निकल रहे थे उसमें से 90%, आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट, 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, स्टूडेंट्स को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये नौकरी लेने लायक है ही नहीं। और इसमें मैं दोष इंस्टीट्यूट का नहीं लूंगा, मैं दोष स्टूडेंट्स का दूंगा।
अगर आप इंस्टीट्यूट से डिमांड नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको क्यों देगा? भाई उनको तनख्वाह मिल रही है पढ़ाने की, उनको फीस मिल रही है, कैरियर उनका बन चुका है, गाँव में तो आपका सब कुछ है ना। आप अपना टाइम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लगाओगे तो फिर उनको क्या जाए? वो तो आपको डिग्री लेके बाहर भेज देंगे कि हमने डिग्री दे दी, अब आप ढूंढो जॉब, जॉब आपको मिलना नहीं। जॉब इसलिए नहीं मिलना कि जॉब नहीं है, जॉब बहुत है, जॉब की कोई कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं। आप जो यहाँ पे बैठे हैं इसमें आप लोगों का प्रोफाइल क्या है? मोस्टली यू आर इंजीनियर और कॉमर्स ग्रेजुएट, क्या है आपको अभी यहाँ पे बैठे हो? कुछ इंजीनियर्स हैं अलग अलग फील्ड के। इंजीनियर्स कौन कौन है आप? चलिए आप चार इंजीनियर, मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ, कोई पर्सनल वो नहीं है, केवल एक आप लोगों को बस हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि समस्या कहाँ है, ठीक है? आप लोगों में से कितनों ने प्रैक्टिकली लेथ मशीन चलाई वो हाथ खड़ा कर? 25%, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी ईमानदारी की तारीफ की, आपने जो काम खड़ा नहीं किया। 75% ने लेथ मशीन नहीं चलाई जो मदर मशीन है, ठीक है। और फिर आप खुद को इंजीनियर कैसे कह सकते? हो सकता है वो मैं मैकेनिकल नहीं, आप कंप्यूटर साइंस से हो, अलग अलग ब्रांचेस से हो, बट आप किसी भी ब्रांच से हो। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जांपल दूँ तो मेरा एक फ्रेंड है, पिछले संडे मेरे साथ था, वो हर साल 400 इंजीनियर रिक्रूट करता है अपनी कंपनी से। उसका कहना था कि 400 के लिए हम 4000 का इंटरव्यू देते हैं और 4000 में से 3900 ऐसे होते हैं जिनको वर्नियर कैलिपर पढ़ना नहीं है। मैं अगर आपको वर्नियर दे दूँ कि भी पढ़ के बताइए, आपको ना पेपर दे रहा ना पेन दे रहा, इस मोबाइल की चौड़ाई नाप के बता दी है, तो आप में से अधिकांशता नहीं नापता, तो अब इसमें दोष किसका? आप कॉलेज का बोलोगे तो कॉलेज में तो आपको डिग्री देके बाहर कर दिया, उनका क्या गया? अल्टीमेटली नुकसान तो आपका होगा। ऐसे ही हम कॉमर्स की बात करें, मेरी अभी बात हो रही थी, साल भर पहले की बात है, संजीव बजाजी से, तो वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बजाज फिंसर के लिए ग्वालियर से स्टूडेंट्स ले लें। वो एग्री करते हैं, मैंने उनका ग्वालियर की लीडिंग यूनिवर्सिटी से MOU भी करा दिया, 1-to-1 है, वरना संजीव बजाज को MOU साइन भी करते हैं, उनका पूरे हायर की है, उन्होंने मेरे कैंपस पर साइन भी कर दिया, मैंने वर्चुअल इंटरव्यू भी करवाए, बट अनफॉर्चुनेटली करीब करीब 50 इंटरव्यू हैं, ग्वालियर में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ। तो अब इसमें आप किसी और को ढूंढ लेंगे, क्योंकि सबसे आसान काम है जो हम तुरंत और कभी भी कर सकते, क्योंकि इससे आसान काम कुछ नहीं होता। मैं नेताओं को ब्लेम कर दूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर दूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को ब्लेम कर दूँ, किसी को भी किया जा सकता है। वो लड़की बहुत इजीली ब्लेम कर सकती थी कि मेरे फादर ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया जबकि उसके पैसा खूब है, बट उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। हमारी लाइफ का सॉल्यूशन हमें खुद को निकालना पड़ेगा, तो हम कहाँ बात करें वो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये पॉइंट मैं काफ़ी मीटिंग्स में ग्वालियर के सारे DC और इन सबको पर्सनली बता चुका हूँ, बट प्रॉब्लम यही है कि वो अपने सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 70-80% स्टूडेंट्स को फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, पहली चीज। दूसरा, जब वो बात करते हैं तो एक लाइटर रोल पर कह रहा हूँ, मैं भी ग्वालियर से हूँ, जब हम बाहर जाते हैं तो बात करते हैं तो कोई सर को सर बोलता है, सर को सर बोलता है, तो हम समझ जाते हैं कि अपने वरीय दिन को रहना था, आपकी मिल गया था। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बाहर बहुत मायने रखती है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, छोटी छोटी चीज़ों में।
जब हम क्वालिटी की आदत डालेंगे ना तो हमारे पूरा एक वर्किंग सिस्टम बदल जाएगा। और कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको सिखाने के लिए काफी है, आप लोग तो प्रयास कर रहे हैं, ये फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत बढ़िया प्रयास है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने जो स्टार्टिंग में श्लोक बोले और ये सब बोले, ये पर्सनली देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जिस स्कूल में हुई है वहाँ भी हम ये श्लोक ही बोलते थे। हमारे पहले प्लेयर ये बच्चों तुम ही होते, ये मैं शिशु बच्चों को यही देख के और करके बढ़े। ये आप लोगों का बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रयास है। बट एक चीज जानने के लिए, जो भी चीज करें उसमें माइक्रो मैनेजमेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों को कर रहे हैं, छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक कैंसर रिपीट कर दूँ, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ एज अ ब्रदर कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य आपकी कमी निकालना नहीं है, क्रिटिसाइज करना नहीं। अदरवाइज मैं बहुत अच्छी तरह डिप्लोमेटिकली भाषण दे देता हूँ और जिसमें मैं आपसे 15-20 तालियां बजवा दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे मैंने क्या बोला है और चला जाऊँगा। बट वो एक केवल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी भाषण की, ना आप कुछ सीखेंगे ना मैं कुछ सीखा पाऊँगा। आप जाएंगे आप कहेंगे बहुत अच्छा बोला, इनको अगली बार बुलाएंगे, मैं नहीं चाहता मुझे भी अगली बार बुलाए। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे स्पोर्ट्स में किसी की लाइफ में 2% की फर्क आ जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको करना क्या है, अपने आप को केवल 1% इम्प्रूव करना है क्वालिटी, और ये बहुत बड़ा काम नहीं है 1% इम्प्रूव करना। अगर आप 1% इम्प्रूव पर डे भी करेंगे ना तो आप 100 दिन में 100% इम्प्रूव हो जाएंगे। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम एक दिन में खुद को 20% इम्प्रूव करें जो हम खुद को कभी कर नहीं पाते। छोटी छोटी जैसे अभी आपने 7 मिनट एक छोटी 7 मिनट चलाते हैं तो उसके आगे की बत्ती पे एकदम पकड़ा रहता है, दूसरा हल्का सा ड्राई रहता है, तीसरा जो कपूर होता है उसका पाउडर पिट पे लगा दीजिए जिससे आप जरा से माचिस जलाएंगे वो जल जाए, तीसरा उसके नीचे क्रेट जरूर रखनी चाहिए क्योंकि कपड़े में गिरेगी तो कपड़े चार कर सकते। ये 3-4 छोटी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपने नोटिस कर दी, आप लोग बहुत छोटे हैं इन चीज़ों को नोटिस कर दी, पर आपने प्रयास किया, अगर कोई आपको बताएगा कि इन चीज़ों को करना है तो आप आगे कर पाएंगे। मैं आऊँगा देख के चला जाऊँगा और नहीं बताऊँगा तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैंने जो पॉइंट बताया सबसे पहले ग्वालियर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और आपको अपने कॉलेज से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपका कॉलेज आपको बेस्ट नहीं देगा जब तक कि आप एक्सट्रैक्ट नहीं करें। एक आप प्रैक्टिकल चीज़ देखिए, ग्वालियर का जो भी बच्चा बाहर जाता है या ग्वालियर जैसे किसी शहर का बच्चा बाहर जाता है तो वो बहुत बड़ा काम कर देता है। ग्वालियर आगरा झांसी हमारे में बैठ के बात करें और यहाँ जो रहता है उसको स्ट्रगल डबल करना पड़ता है, जबकि उस पर टैलेंट तो सबसे ज़्यादा है, कम नहीं है जो बाहर गए थे। बट कहीं ना कहीं हम अपने कॉलेज से बेस्ट नहीं ले पा रहे, अपने इंस्टीट्यूट से बेस्ट नहीं ले पा रहे थे और हम एक शहर के अंदर को इकोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे थे जहाँ पे कि प्रैक्टिकली आप वर्कशॉप्स पे जाएं, कुछ सीखें, कुछ करें। अगर आप करेंगे, मैं चाहता हूँ ड्रास्टिक चेंज। एक लड़के के बारे में आपको बताता हूँ, मैं उसका नाम नहीं भूल गया क्या है, बट किसी के सोर्स के थ्रू मेरे पास आया था कि साहब ये लड़का आपके फैक्ट्री में 2 महीने काम करना चाहता है। मैं क्या काम करना चाहता था, बोले साहब लेथ ऑपरेटर का काम करना चाहता है। मैं लेथ ऑपरेटर के लिए अप्रोच की जरूरत किया है, फिर जब वो मेरे से मिलने आया तो वो बच्चा बीटेक था
एमिटी से, उसके फादर एयरफोर्स में बहुत सीनियर ऑफिसर थे जो अभिनंदन थे, उसके बॉस थे, उसकी स्क्वाडन को लीड करते थे। उसने मेरी फैक्ट्री में एक महीने एज ऑपरेटर काम किया और एक महीने के बाद उसको सीधा यूएस की कंपनी में जॉब मिला और वो यूएस चला। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी अपनी फील्ड से नहीं होगी। लेते एक एग्जाम्पल, जिसकी जो फील्ड है अगर उस पर उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो आप एम्प्लॉयबल नहीं होगा। सर आपने जब एजुकेशन को स्क्रैप करने की बात की तो इसका मतलब ये था कि हम बिल्कुल नर्सरी या प्लेग्राउंड लेवल से पूरी पूरी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। एंड जब आपने दूसरी बात की कि सिस्टम में जो दो सेमेस्टर स्टूडेंट्स का है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब बच्चे को नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ और उसके बाद तक ग्रेजुएशन तक जो कंडीशनिंग हुई होती है, जिस सिस्टम में वो पैदा हुआ होता है और बड़ा हुआ होता है, तो शायद जो कैपेबिलिटीज नहीं आ पाती कि वो उसका अपोज करते हैं और अपने हक मांग सकते। एक वर्ष टेक्निकल आपके जो टीचर पढ़ाता है वो आपसे ज़्यादा पढ़ाई है, इससे क्या समझना है कि आपके ऊपर हर टीचर भी चाहता है कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले, बट अच्छे स्टूडेंट्स टीचर्स को मिलते हैं। कोई अगर चार अच्छे स्टूडेंट्स टीचर को मिलते हैं, फिर एक एग्जाम्पल आपको मैं प्रैक्टिकली देता हूँ कि आज जाते मैंने एक बोर्ड देखा था, एक लड़की का बोर्ड लगा था आईटीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसको 45 लाख का पैकेज देना, उसी यूनिवर्सिटी में बाकी को 3 लाख का नौकरी नहीं मिली है और एक 45 लाख की मिली है, तो पढ़ाई तो सबने एक ही समान की है ना, तो एक 45 लाख क्यों लेगी और दूसरा बेरोजगार क्यों? सेम टीचर सेम यूनिवर्सिटी सेम सिस्टम, फिर अलग क्यों? अगर हम हैं, हम जिसे रियलाइज कर लेंगे ना कि हम अलग हैं और पढ़ने का साधन ये हमारा समय नहीं है कि जो टीचर ने पढ़ाया ना वही पढ़ना जरूरी है। आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो कि हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई ने मना थोड़ी किया है आपको इसके अलावा वो मत पढ़ो। आप केवल वही पढ़ना चाहोगे जो आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको गुलाम बनाया जा रहा है तो आप गुलाम बनोगे ना। अगर आप खुद को ओपन अप करोगे तभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर एक चीज और, मैं अभी तक ग्रेजुएशन मेरी ग्वालियर के इंस्टीट्यूट से हुई है, मैंने अच्छे एफर्ट्स डाले अपने और सब कुछ किया लेकिन मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिसके कारण मुझे कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ा और अभी मैं अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। एंड वहाँ पर मुझे एक साल हुआ है, मैंने इतना सीख लिया शायद मैंने अपने पीछे ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत क्या डॉक्टर फील हो रहा है कि जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरा स्कूलिंग जो थी, मेरा जो कॉलेज है वहाँ पर मुझे थोड़ा उसके कारण सफ़र करना पड़ रहा है। मेरे को कैपेसिटी है बट लेकिन सी इफ आई मतलब मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता हूँ या जॉब्स के लिए जाता हूँ तभी वो मेरा बैकग्राउंड साथ में चलता है। लोग देखते हैं कि आप मैं अपने टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किए कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या IIT वगैरह से पढ़ाऊँ कि नहीं, तो वहाँ पर मुझे ये फील करना पड़ता है। इवन मुझ में टैलेंट है तब भी मैं देखता हूँ कि मेरे से कम लोग हैं, फिर जो टैलेंट कम है जिनमें थोड़ी सी भी स्किल कम है, वो दे आर गेटिंग गुड शॉर्टलिस्ट एंड दे आर गेटिंग गुड एम्प्लॉयमेंट, बट मुझे तब भी थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इसको टेम्पररी प्रॉब्लम कहा जाता है और ये आप इसको प्रॉब्लम मत मानो, आप इसको टेस्ट मानो। होता क्या है कि जो ग्वालियर के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है वो पहले लेवल पे किसी को भी इम्प्रेस नहीं करता, ठीक है, उसको बात करने का प्रॉपर तरीका नहीं, उसको बैठने का तरीका नहीं, उसके थिंकिंग प्रोसेस में कमी है क्योंकि वो ग्वालियर का, तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं कम, जब वो जॉब के लिए जाता है तो 5 लोग एक लेवल के हैं, 4 उससे आगे निकलेंगे, वो ग्वालियर वाला पीछे रहेगा और ये होता है 2 या 3 साल। उसके बाद जब जॉब पर पहुँच जाते हैं तो ग्वालियर का आदमी जो मेहनत करता है और जो रिजल्ट देता है तो 5 साल बाद
वो चार जो उससे ऊपर गए थे उसके सबॉर्डिनेट बन चुके हैं और वो उनसे आगे निकलता है। मेरा एक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है लॉन्ग रन में छोटे शहर का आदमी ज़्यादा सक्सेस होता है, शॉर्ट टर्म में बड़े शहर का आदमी सक्सेस होता है, क्योंकि उसको हाई फाई फंडे देना, वो सिस्टम्स आते हैं। हमारे बॉलीवुड का आदमी बेचारा टीम में देने जाता है तो उसको ये कोई बताता ही नहीं है कि भी कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाना है, किस तरह से विश करना है, क्या बात करनी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो माफ कर देता है। पर जब एक बार कंपनी के अंदर पहुंच जाता है तो फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस और वहाँ हमारे आप फील बेटर कोई नहीं। जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो दो तीन साल चल, पर जब आप किसी एक कंपनी के अंदर पहुंच जाएंगे तब आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, आप कितने टाइम से वहाँ हैं? एक साल को, ठीक है। एक आप स्नैप इधर पर, सॉरी अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, केवल एक हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो आप सबके लिए अपरिचित हूँ, मैं आपसे भी पहली बार बोल रहा हूँ, मेरी कल आपसे पहली बार फोन पर बात करूँ, बाकी मेरा कल्चर मैं अगर ये सब लोगों को रियलाइज करूँ तो इसमें कुछ तो तीन या चार पॉइंट हैं जिन्हें कि बैठने का पोस्चर मानो, किस पोस्चर से बैठना चाहिए, ये बहुत अच्छे पोस्चर से बैठे, आप बहुत अच्छे पोस्चर से बैठे, ये बहुत अच्छे पोस्चर से बैठे, ठीक है। तीन लोग बहुत अच्छे पोस्चर से बैठे हैं जो मुझे सामने मिल रहा है, आप जिस पोस्चर से बैठे हैं अगर आप उस पोस्चर से इंटरव्यू देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपका बॉडी पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा तो सामने वाला हमसे इंप्रेस नहीं। मैं एक बच्ची को जानता हूँ, वो जॉब के लिए गई तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो शी सेड कि मेरे को 18 लाख रुपये चाहिए। इंटरव्यू वाले ने पूछा एक्सपेक्ट कर रही हैं या चाहिए, बोले नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, चाहिए, आप बताइए आप इतना दे सकते हैं तो मैं इंटरव्यू में बैठूँ, नहीं तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो इंटरव्यू वाला भी थोड़ा सा वो आ गया कि यार बंदी में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कह भी नहीं कि चाहिए, ये कहती है मैं इतने डिजर्व करती हूँ, इससे कम में करूँगी ही नहीं, आपकी कंपनी मुझे अफोर्ड कर सकती है तो बताइए, मैं आपके लिए नेगोशिएट करने के लिए नहीं बैठी, उसको मैं जॉब मिल गई। तो ये जो आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम बॉलीवुड के लोगों के अंदर है और ये इसी तरह की वर्कशॉप से दूर हो, ये अगर कॉलेज नहीं कर सकता है तो हम तो कर सकते हैं, हम इस तरह की वर्कशॉप वगैरह करके खुद को ग्रूम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप अभी मान लीजिए छोटे स्केल पर कर रहे हैं, इसको आप बड़े स्केल पर कर सकते हैं, आप शिव क्रीड़ा को बुला सकते हैं, चार्जेस लगते हैं, इस तरह का बड़े लेवल के प्रोग्राम करेंगे तो वो करना। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, हम शहर को रोज देते हैं, मेरे को पसंद है बताया रोज प्रैक्टिस में थे, आप रोज प्रैक्टिस में थे, ठीक है ना, मुझे नहीं मालूम रोड ट्रैक कभी क्या कर रहा है, बट मैं रोड ट्रैक ग्वालियर जा रहा था, माउंटेन प्रेसिडेंट हूँ, चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, हम उस टाइम ग्वालियर में साल में 20-25 सिंगर्स डांसर परफॉर्मर आ जाते होंगे, ठीक है। अभी मैं देख रहा था गरबा हो रहा है उसमें दो आ रहे हैं, कितने मोटिवेशनल स्पीकर ग्वालियर में, कितने सेल्फ इंप्रूविंग वाले ग्वालियर में आते हैं, कोई चल के तो आएगा, आपको बुलाना पड़ेगा, पर कितने वो हम बुला रहे हैं। यहाँ तो स्कूल या कॉलेज या नेता का सिस्टम नहीं आ गया, यहाँ तो आप ही लोग हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आप अगर इस तरह के प्रोग्राम करें और अच्छे लोगों को बुलाएं तो रिजल्ट आएंगे क्यों नहीं। जब मैं भी उठा किया वो ग्वालियर रीजनल का प्रेसिडेंट रहा 2 साल, तो हम लोगों ने वैसे जब कोविड का टाइम था ऑफलाइन इवेंट बिल्कुल बंद थे, हम लोगों ने पूरे साल कोविड से लेकर 150 से ज़्यादा ऑनलाइन सेशन कराए,
जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से लेकर कंपनीज के सीईओ और रिज्यूम मेकिंग बहुत सारे बॉक्सों पर है। तो रोटरी क्लब ऑफ ग्वालियर ईगल अपना जो अभी प्रेजेंट है ग्वालियर का सबसे बड़ा क्लब है जो मैंने फाउंड किया था। अभी सबसे ज़्यादा मेंबर्स है और सबसे ज़्यादा ग्वालियर की सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ चाहे स्वच्छता अभियान हो गया, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं, एक्चुअल मैनेजमेंट वहाँ से सीखते हैं और ऑनलाइन जो ग्रूमिंग सेशन की बात करें हमारे मेंबर्स को हम लोग वीकली सेशन का हमारा पूरा यूनिफॉर्म बना के रखा था। किस टॉपिक का जो ऑनलाइन सेशन हम लोग लीडरशिप क्वालिटी हो गया, रिज्यूम मेकिंग हो गया जो और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, जैसे अपना इसमें गुरुकुल में हमने ये सारे क्राइटेरिया को प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे अपन कन्वर्सेशन हमारा गुरुकुल का मेन उद्देश्य है लर्निंग बाय डूइंग, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज, तो जिसमें हम लोग पब्लिक स्पीकिंग भी ऑफलाइन और सारी पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग जब हमें मंच मिलता है हम लोग प्रयास करते हैं, जब धीरे क्योंकि वो वन नाइट का नहीं है, हम जब प्रयास करते हैं कि अपना डेली हो गया अपने आप को इम्प्रूव करना और कैसे बोलते हैं और इस तरीके से अपना माइक का पोजीशन होता है, बाकी सारी चीज़ें देखिए आपको बैठ जाइए। पब्लिक स्पीकिंग में मैं आपको बताऊँ छोटे साइड का देखा पब्लिक स्पीकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जरूरी नहीं है साथ देखा, ये जरूरी नहीं है कि तीन दिन का, ये दो घंटे का भी, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी को बुलाना पड़े। ये अभी एक महीने पहले ही मैंने खुद ने एक सेशन अटेंड किया था, हम लोग सीआर की तरफ से ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमने पांच ग्रुप आए, हम 25 लोग थे और 25 लोगों में पांच ग्रुप हमने बात की और उन पांच ग्रुप्स को एक एक प्रॉब्लम दी और एक एक प्रॉब्लम में उनको बोला था कि प्रॉब्लम डिस्कस करिए और सॉल्यूशन निकालिए, और हर एक ग्रुप को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस हो गया। थैंक यू केवल हमने 15 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और 15 मिनट में प्रेजेंटेशन, तो पांचों को 15 मिनट ही मिले थे और प्रेजेंटेशन के लिए 5 मिनट मिला, तो 25 और 15 40 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट में हमने 5 आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर, ये फिजिकल इवेंट था और आप किसी और को सुन के उसको इतना बेहतर नहीं बना सकते जितना आप अपने साथ वालों को सुन के बेहतर बना सकते। देखिए मैं फ्रेंड आपको बताऊँ वर्चुअल कुछ भी करना हम लोगों की मजबूरी थी, वर्चुअल हमने भी किया सबने किया, वर्चुअल की इफेक्टिवनेस 10% की है। अगर मैं वर्चुअल आज बोल रहा होता तो आप में से लॉगिन ढूंढते लोग होते बस फिर कुछ और काम करते, ठीक है मुझे मालूम है क्लास कैसे अटेंड होती है, मेरे बच्चे भी करते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वर्चुअल में कैसा होता है ग्राउंड पे, ठीक है और एक थीम डिसाइड की, स्वच्छता भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी करेंगे, एकेडमिक्स भी करेंगे, सब जगह कंफ्यूज हो जाए, एक थीम बनाएंगे, जैसे यहाँ आपने बहुत अच्छा बनाया गुरुकुल ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप एक थीम पे फोकस करेंगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और उस थीम से जरूरतमंद लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आप मल्टीफेस करेंगे तो फिर आप एक माला बनाने का पहनाने का प्लेटफॉर्म बन जाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे हैं पर तो उसकी बिल्कुल कहता ग्वालियर को जरूरत है, ग्वालियर को जरूरत वो है जहाँ कि मतलब हम प्रॉपर काम करें पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें, ये जो आप कर रहे हैं अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, आपको कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट फोकस करें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना, डाइवर्सिफाई करना कभी अच्छा नहीं ना इंडिविजुअल के लिए ना इंडस्ट्री के लिए। हाँ जो हमारे गुरुकुल का मेन उद्देश्य जैसे अपनी क्लाइंट होगी जो भी हम उसको तो मेन फोकस हमारा जो गुरुकुल का विजन और मिशन हम लोगों ने बनाया है इसमें कोई भी मतलब ना हम लोग का पेड़ लगाने वाले ना खाना वाले कुछ भी नहीं, मेन जो हमारा पर्पज है जो गुरुकुल को स्टार्ट करने का सिर्फ कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है मेनली फोकस।
मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं ये बात करूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट लेके नहीं आया था, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूँ और संडे तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, संडे मेरा पर्सनल टाइम होता है तो मैं कभी भी किसी को नहीं मिलता। बट जब मैं यहाँ आया और मैंने आप लोगों का फोकस देखा तो मैंने मेरा दिमाग बदल दिया, मैंने कहा अपने आज पॉजिटिव बात मैं वो, अगर आप मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग बोलो, अगर आप मुझे माला पहना देते तो फिर मैं है ना एक स्वेटी रेटा ही 10 मिनट की स्पीच देता हूँ उस पर चला जाता, क्योंकि मेरे को चिड़ है उस फंक्शनों में जहाँ माला पहनाई जाती है। आई एम नॉट हेयर टू बी अपीज, यू आर नॉट हेयर टू अपीज। हम अगर एक इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो इट शुड बी फ्रेंडली, वरना लेक्चर तो आप अपने टीचर्स के रोज ही सुनते हैं, तो उसमें मैं अलग क्या सूट कर दूंगा। और भाषण अगर आपको सुनने दी कि खोलिए मेरे से बहुत अच्छे भाषण देने वाले आपको वर्चुअली मिल जाए, तो आपका फोकस देख के ही मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, ऑनेस्ट टॉकिंग कर रहा हूँ, वरना मैं डिप्लोमेटिक टॉकिंग कर रहा हूँ तो ऑनेस्ट टॉकिंग नहीं कर रहा। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे सर अभी जैसे कॉलेज कर रहा है उनमें सर काफ़ी सारे प्लेसमेंट वगैरह नहीं आते, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सर इसका मतलब फेस भी करते हैं, तो उसको सर आपके सर क्या विचार है, कॉलेज सर प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा था तो सर स्टूडेंट सर कैसे सर उसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे मतलब उस तक पहुँचे? लेकिन ग्वालियर में मुझे नहीं लगता कि एक या दो कॉलेज के अलावा कोई भी प्लेसमेंट के लिए सीरियस है। एक या दो कॉलेज में जाता हूँ पर्सनली जो प्लेसमेंट के लिए जेन्युइनली काम कर रहे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ कि पर मैं किसी का नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा हूँ, किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं करना चाहता हूँ, बट बाकी सबका एक सिंपल उद्देश्य है कि आप उनके कस्टमर हो, मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप उनके स्टूडेंट्स नहीं। कस्टमर को पैसा लेके प्रोडक्ट दिया जाता है, ये वो वारंटी और गारंटी वाले नहीं है कि प्रोडक्ट दिया तो गारंटी वारंटी हमारी। अगर आप वॉलियर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर एक दो को छोड़ते हैं जो प्राइवेट है, तो प्लेसमेंट की आप वॉलियर में ज़्यादा उम्मीद करिए। अब प्रॉब्लम तो है पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू ही मिले, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक CII का वर्चुअल कैरियर सेंटर होता है, मॉडल कैरियर सेंटर, इसकी शायद कोई अपना दोस्त या अपना जॉब करके कोई पोर्टल है, एक किसी का CII का अपना जॉब या अपना दोस्त, वो आपको डायरेक्ट कंपनी से इंटरेक्ट कराता है और जॉब दिलाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट जॉब दिला सकती है, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर से मान के चलना पड़ेगा आपके लिए पैसे की कोई कंपनी नहीं है। मैं काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ, काफ़ी कंपनी को ग्वालियर में लाने की कोशिश कर चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बातें ही बातें करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं करते। प्राइवेट जरूर है ना, उनको चूंकि अगले साल फीस चाहिए, कमाई चाहिए, इसलिए प्रयास करते हैं कि कुछ आ जाएगा उसमें। तो आपके दो ऑप्शन बचते हैं, या तो खुद के एंटरप्रेन्योरशिप पे जाए, वो भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, या फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ बट ग्रेजुएशन के बाद एक दो साल के लिए आ सकते हैं, उसको ग्रूम कीजिए, वहाँ आपको जॉब भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सर बट सर एक इसमें सर कमी ये भी आती है, सर जो फैमिलीज वो सर इतनी मतलब ग्रूम नहीं है कि मतलब अपने बच्चों को बाहर भेज पाना है, एक तो सर वो पहले ही सर 4-5 लाख रुपये इंजीनियरिंग में खर्च कर देती हैं, फिर उसके बाद सर फिर जब पैकेज नहीं मिलता फिर वही बच्चा सर सफ़र करता है, और जैसे भी उसको 10,000-12,000 की जो नौकरी मिल जाती है वो उसको करता है। सर फिर इसका सर पॉजिटिव आइडिया क्या है कि सर मतलब कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो वर्चुअली कुछ कंडक्ट ऐसे करा सकें जिससे वो घर बैठ के ही भारतीय कंपनीज के साथ कैचअप करके कुछ काम कर सकता है? जैसे बच्चा जो है जॉब की सोचता है,
जब मैं फोर्थ ईयर में आया, ठीक है, फोर्थ ईयर में भी जब 5-6 महीने निकल जाते हैं, इसको लगता है कि लास्ट सेम में आ गया, तो सोचता है कि चलो मुझे जॉब मिलना चाहिए। नॉर्मली होता है ये कि जिस दिन आप सेकेंड ईयर से जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन फोर्थ ईयर में जॉब आपके लिए रेडी रखता है। आप उनको जॉब रेडी तो बना, आप जिस दिन जॉब रेडी बना दोगे उस दिन जॉब आपके पास चलती है। इंजीनियरिंग में आप 4 लाख का खर्च कर रहे हो, पर आपने 4 लाख में सीखा कितना इंजीनियरिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई हमारे टीचर थे कटिंग बोलिए, वो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्स कराते हैं, तो जावा कराते हैं, जावा कर कुछ लैंग्वेजेस वगैरह कराते हैं, सर परफेक्ट। मैंने उनके बारे में सुना है कि वो जो पढ़ाते हैं वो IITs में भी नहीं पढ़ाते। मैं पर्सनली उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, इनका नाम भी आपने बोला तो मुझे याद आ गया। तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो IITs में भी नहीं पढ़ाया जाता, और IITs के बच्चे भी जब छुट्टी में घर आते हैं तो उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं। तो आपके पास ऐसे ऐसे एसेट्स हैं, पर हम अगर उनको यूज़ नहीं करेंगे, भाई कॉलेज नहीं पढ़ा रहा मत पढ़ा दे, हम दूसरे सोर्सेज को ढूंढ सकते हैं, दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग सब कुछ इससे उससे अगर मैं पूछूं QCI क्या है, उसे नहीं पता, ठीक है। अब जब आप मैंने आपसे पूछ लिया आपको नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप जॉब के लिए गए उसने पूछा QCI क्या है, कंपनी आ भी गई तो कंपनी आपको लेके नहीं जाएगी ना, उसके पास समझो इंस्टीट्यूट इसी भी नहीं बुला रहा, उसे मालूम है कि मैं बुलाऊंगा, ये आ भी गए तो कंपनी उनको रखेगी नहीं। मैं खुद आपको बता चुका हूँ, मैं ग्वालियर के 100 बच्चों का इंटरव्यू करा चुका हूँ, 100 के 100 सेलेक्ट नहीं हुए, तो मैंने भी ड्रॉप कर दिया ना, कि यहाँ पर कंपनी जाने का फायदा नहीं है जब तक हम खुद को ग्रूम नहीं करें। आप 4 लाख खर्च कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, 40,000 और खर्च करो, खुद की इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव करो, वो तो आप गूगल से कर सकते हो, नेट के थ्रू जरूरी नहीं, उसके लिए आपको कहीं जाना पड़े। आप अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ो, हम केवल वो पढ़ते हैं जो हमको है ना कॉलेज देता है, उसमें भी सोचते हैं कि 50% पढ़ लें पास हो जाए। जब तक आप अपने नॉलेज का लेवल नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कोई क्यों रखेगा। देखो एक सीधी सी बात होता है, सैलरी इज नेवर डिमांडेड, इट इज ओनली कमांडेड। आप खुद को कमांड करने लायक बनाओ, कंपनी आपको आके लेके जाएगी, बच्चे को लेके गई ना 45 लाख में कि नहीं लेते गई, वो भी तो 4 लाख देके पड़ी है, उसके साथ वाले भी 4 लाख देके पड़े, वो 4 लाख से 1 साल में 45 लाख में चली गई, दूसरे 10,000 की नौकरी कर रहा है, फिर दो सिस्टम का नहीं है ना, आपको अभी बोला वही बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तेंदुलकर डांस करने चला जाए तो 45 साल लेता है,
दोनों अपनी फील्ड में 90% वाले बौद्धिक क्षमता सबके अंदर है हाँ अपनी मिले ऐसा किसने किया आज में नहीं आज कोई एक हो सकता है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अब अगर नीरज चोपड़ा 90% मार्क्स के पास नहीं हुआ होगा पर वो तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है ना आपको अपने प्रॉपर को आइडेंटिफाई करना या आपके आसपास के लोगों को करना पापा ने आप अपनी फील्ड में 90% सर एक चीज ऐसी कि जब जैसे मैंने फुटबॉल कभी खेला ही नहीं मैंने कभी टेलीग्राफी की ही नहीं या फिर मैंने कभी बॉक्सिंग की ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा हूँ आपने जो की है उसमें आपको पता है कि आप अच्छे आपको पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है आपको खुद को जानने की जरूरत है आप पूरी दुनिया को क्यों जानना चाहते हैं ये तो प्रॉब्लम आप पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं खुद को जानने के बजाय आप खुद की स्ट्रेंथ होती है ना कि आपकी खुद की किस चीज की स्ट्रेंथ है वो काफी आप फोटोग्राफी करते हैं मैं एक लड़के को जानता हूँ वरियर का लड़का जो कि शायद 7th-8th पास की नहीं और उसकी एज अभी 20 साल है उसने डिसाइड कर लिया एक दिन कि यार मैं फोटो अच्छे खींचता हूँ मुझे फोटोग्राफर बनना उसने कोई पोस्ट नहीं किया कहीं कुछ नहीं किया आज उसके खुद के 2 यूट्यूब चैनल हैं उसके एक एक वीडियोज पे 50-50 लाख व्यूज में 20 साल की आइडेंटिफाई करने की कोशिश की उसने केवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यार मैं बड़ा देखो नहीं हूँ मुझे और कुछ भी नहीं आता मुझे फोटो वीडियो बनाना अच्छा आता मैं वही कर रहा हूँ आज वही कर रहा है अभी उसने जिलाजू यूनिवर्सिटी की एक वीडियो बनाई है मैंने उसको वो काम से भी रिकमेंड किया था तो वो 3 मिनट की वीडियो में जिलाजू यूनिवर्सिटी ने उसको 50,000 रुपये दिए और उसको जो असाइनमेंट और किए तो जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की वीडियो बना रहा है जब 4 लाख स्टूडेंट हैं तो वो लड़का बना रहा है फिर 10th पास नहीं है क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ और अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहा वो ये सोचता कि मैं पहले है ना ये कर लूँ फिर वो कर लूँ तो कुछ नहीं करता सर आपने बोला कि जब हम कॉलेज में आते हैं जब हम फोकस करते हैं कि हमें और कुछ भी गूगल से या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए बट हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जब 5th क्लास में या 7th क्लास में हों या हमें किस क्लास में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और चीज़ों पर तो वो एक क्या एज है मतलब स्कूल में तो वो सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं आप भी कहते मैंने ग्रेजुएशन किया आपको इसके अलावा क्या क्या किया इसके अलावा सर मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में भी और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मीन्स मैंने आपको अभी बोल रही हूँ कि मेरा ईवे बिल निकाल दीजिए आप निकाल देंगे कल 1 अक्टूबर को GST काउंसिल में 5 कैटेगरी के आइटम का शहर में 15 अकाउंट्स एक हफ्ते के अंदर 15 अकाउंट्स का अगर आपको 3,000 रुपये महीना भी मिला तो आप 45,000 रुपये महीना कमा लेंगे ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कम कर पाएंगे और एक लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप बैक डेट में कुछ नहीं कर सकते जो आपको करना है वो आप आज से कर सकते हैं तो आज से नहीं कर सकते तो निश्चित ही हम सब आपसे कुछ ना कुछ सीखें और आगे जाके अपने आप को ढूंढ लेने का प्रयास करें आपके मार्गदर्शन के लिए एक अंतिम जो संदेश हो सकता है ग्वालियर के युवाओं के नाम या समूचे युवाओं के नाम आप क्या देना चाहते हैं भैया देखो मेरा आज मरने की एक्सपायरी डेट है अंतिम इस कार्यक्रम में आप लास्ट में जो युवाओं को लेकिन मेरा एक कोई मैं बहुत बड़ा आदमी या कुछ बोले जो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा एक सिंपल सा कहना है कि बी द बेस्ट अगर आप खुद को बेस्ट करेंगे तो आप तो बेस्ट होने से कोई नहीं
मैं आपको बेस्ट नहीं कर सकता, आप मुझे बेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, इंटरेक्ट करके मैं मेरे यहाँ चला जाऊँगा, आपके साथ चलेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ से या जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अपने साथ क्या लेके जाते हैं। और जो मैंने आपको बोला कि 1% खुद को अगर डेली इम्प्रूव करते हो तो 100% इम्प्रूव करते हो। सबसे पहले अगर आप घर जाते हैं सोच लोगे, जैसे भैया ने कहा कि मैं ढूंढूंगा एक्सरसाइज कोड क्या है, मैं स्टडी करूंगा, तो वो 3 महीने बाद वो खुद को नहीं पहचान पाएंगे कि वो कितना विरोध हो चुके हैं। इसलिए खुद को पहचान करो, भूल जाओ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या करेगा, नेता क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा। सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप अपनी लाइफ का वेस्टेड इंटरेस्ट खुद के अंदर पैदा करो। Thank you.